Namaskar, main hu Lataa Saberwal and thank you so much for watching Image Empowerment. Navratri aane wale hain to is video mein main aapke saath share karne ja rahi hu apna Navratri look. Usually kya hota hai ki hum Navratri mein ya to ghagra choli pehante hain ya phir long skirts pehen lete hain. Is baar maine ek fusion look taiyar kiya hai. इस लुक में ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए, आपके पास जो चीजें हैं उन्हें ही कंबाइन करके आप ये फ्यूजन लुक बना सकते हैं। पर्पल इस सीजन का कलर है तो मैंने पर्पल पिंक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं आंखों पर भी लगाया है और अपने कपड़ों में भी कंबाइन किया है। सो लेट्स गो अहेड एंड वॉच फुल डिटेल में देखते हैं मेरा नवरात्रि लुक। आई हैव मॉइस्चराइज्ड माई फेस और इसके बाद अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ। हल्की सी अगर मसाज देंगे फेस पे तो अच्छा रहता है। डोंट फॉरगेट द नेक एरिया। क्योंकि ये इवनिंग लुक है इसलिए इसमें मैं कंसीलर और फाउंडेशन बेस दोनों इस्तेमाल करूंगी। डे टाइम होता तो मैं मेकअप बहुत नेचुरल रखती हूँ लेकिन शाम को हम थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मेकअप लगा सकते हैं। सो दिस इज द कंसीलर, थोड़ा सा अंडर आईज, हल्का सा लाफ लाइंस पे, या अगर कहीं डार्क शैडोज आपके अपने फेस पर दिखें तो वहां लगा सकते हैं। इसी के ऊपर मैं फाउंडेशन बेस लगाऊंगी। अच्छे से पूरे फेस पे लगा लीजिए उसके बाद ब्लेंड कीजिए। नेक बिल्कुल मत भूलिए। आप जानते हैं मुझे ब्रशेस से ज्यादा फिंगर्स पसंद हैं, मैं उनसे मेकअप करना पसंद करती हूं। बट यू कैन यूज ब्रशेस इफ यू वॉन्ट। इनफैक्ट किसी वीडियो में हम सारे ब्रशेस डिस्कस करेंगे। Very lightly dab under the eyes. आंखों के नीचे की स्किन को बिल्कुल मत खींचिए, बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत पतली होती है इनफैक्ट। अभी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। सो नाउ वी अप्लाई ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ये है मेरा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या लूज पाउडर, इसे पफ पे ऐसे मिक्स कीजिए और बस हल्का हल्का डैब कीजिए, प्रेस इट। लिटिल मोर, क्योंकि हम थोड़ा सा ब्राइट आई शैडो करने जा रहे हैं, चांसेस ये हैं कि वो आई शैडो अक्सर हमारे यहाँ पर आ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर उस जगह पर लगा दूंगी, सो दैट वी कैन ब्रश इट ऑफ आफ्टरवर्ड्स। अंडर आईज, कैन यू सी इट इज विजिबल। अब हम आईब्रो से शुरुआत करेंगे उसके बाद आईशैडो करेंगे। माय आईब्रो फिलर, आई हैव चोजन द मीडियम ब्राउन शेड।
ये है परफेक्ट लेंथ आईब्रोज की। This is the perfect length of the eyebrows. अब हम आई शेडो करेंगे। आई शेडो मैं अपने कपड़ों से मैचिंग करूंगी क्योंकि मेरे जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ब्राइट है, पिंक है और पर्पल है, तो इस बार मैं दोनों शेड्स कंबाइन करके करूंगी। तो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें ये वाला पर्पल शेड और ये वाला पिंक शेड। अपनी हाफ आई पे आगे की साइड से मैं पिंक लगाऊंगी। थोड़ा इसे ऊपर तक ऐसे ले जाइए। जो हमारी ये बोन है यहां तक। थोड़ा और डार्क करेंगे इसे। आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ आई पे लगाया है। अभी मैं पर्पल कलर यहां नहीं लगाऊंगी, पहले हम इक्वली पिंक इस साइड पे करेंगे। साथ में चेक करते रहिए कि दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वल है। अब हम पर्पल शेड ये बाकी के हिस्से में लगाएंगे। थोड़ा और डार्क इसे भी करेंगे। बस ध्यान रहे कि यहां पर डिवीजन की लाइन नहीं आनी चाहिए, दोनों कलर्स अच्छी तरह से आपस में ब्लेंड हो जाएं। फिर से चेक कीजिए बराबर है कि नहीं। थोड़ा और डार्क इसको करना पड़ेगा। अब जी जो सेंटर है जहां पर दोनों कलर्स मिक्स हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं हल्का सा गोल्ड लगाऊंगी। ये गोल्डन शेड लिड्स के ऊपर और हाइलाइटर दोनों में यूज होगा। इस तरफ थोड़ा और बैलेंस करने के लिए नाउ द हाइलाइटर। हाइलाइटर वैसे तो व्हाइट या सिल्वर होता है, लेकिन इसमें मैं गोल्ड लगाऊंगी। थोड़ा फेस्टिव लुक है इसलिए। अपने ब्रो बोन एरिया पे लगाइए। बस इतनी सी जगह पे।
कहीं से अनइवन लगे तो उसे बैलेंस कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना सारा शैडो आंखों के नीचे गिरा है, इसीलिए मैंने पहले एक्स्ट्रा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाया था यहाँ पे। जस्ट ब्रश इट ऑफ। अब आंखों के नीचे भी मैं पर्पल लगाऊंगी। मैं एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ इसके लिए, जो मैंने अपने आईब्रोज के लिए यूज किया था। आप वो सेम ब्रश भी यूज कर सकते हैं। वैसे इस सीजन का कलर भी लाइलैक या पर्पल है। दिस कलर इज वेरी इन, सो गो फॉर इट। नाउ लाइनर। I always use a kajal pencil. इस लुक में आप बहुत ज्यादा थिक लाइनर मत लगाइए, नहीं तो जो आई शैडो की ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। मैं एंड्स को हमेशा स्मच कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगता है स्मच लुक। अगर आप चाहें तो आंखों के अंदर भी काजल लगा सकती हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इस लुक में मैं लगा रही हूँ अंदर। हम इंडियंस को वैसे भी काजल बहुत पसंद है। मेरी आंखें कंप्लीट नहीं हुई हैं, मस्कारा के बिना बिल्कुल अधूरी है। वाटरप्रूफ मस्कारा हमेशा मेरे लिए। बहुत से लोगों को मस्कारा लगाने की प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो नहीं लगाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर लगाइए, क्योंकि मस्कारा लगाने से आंखों का लुक ही अलग आता है। लोअर लैशेस में आगे के पॉइंट से लगा लीजिए, इजी रहेगा काफी।
अब आंखों के लुक को और स्मूथ करने के लिए मैं ये स्टूडियो फिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं। इसे फिर से एंगुलर ब्रश से हल्का सा आपने जो पर्पल लगाया है उसके नीचे लगाइए। एंड तक ले जाइए उसे। फिर एक बार चेक कीजिए क्योंकि ये ब्राइट शेड है, कहीं अगर डिसबैलेंस होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैं इस लुक में एक डिफरेंट ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी लगाने जा रही हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज एन इवनिंग लुक, तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा मेकअप करने की लिबर्टी ले सकते हैं। सो दिस इज इट, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जो अब मैं लगाऊंगी। ये बहुत ही लाइट पाउडर होता है, इस ब्रश पे मैंने लिया है और हल्का हल्का पूरे फेस पे लगा दूंगी। इस पाउडर को बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं, हल्का सा ही बहुत होता है और बहुत ही स्मूथ शाइनी इफेक्ट देता है फेस पे। थोड़ा सा नेक पे भी। अब हम चीक्स पे थोड़े से कट्स देंगे और उसके बाद ब्लश ऑन लगाएंगे। दिस इज माई फेवरेट कटिंग केक। ये खत्म होने वाला है बट आई एम स्टिल यूजिंग इट। इससे आपकी जॉ लाइन एनहांस हो जाएगी। सॉरी, इससे आपकी चीक बोन्स एनहांस हो जाएंगी। इसे हम जॉ लाइन एनहांस करने के लिए भी यूज करते हैं। यही ब्रश आप हल्का सा यहां लगा। अब मेरा फेवरेट ब्लश ऑन। तो कौन सा शेड चूज किया जाए? मेरे पास एक प्यारा सा शेड है, थोड़ा शाइनी भी है, पिंक पीच है। पिंक साइड पे थोड़ा ज्यादा लूंगी टू गो विद द आउटफिट। हल्का सा हाइलाइटर, थोड़ा ब्लश ऑन के ऊपर, थोड़ा टेम्पल्स पे, साइड्स पे, थोड़ा सा चिन पे, जस्ट ब्लेंड इट वेल। अब आई लिपस्टिक की बारी। लिप्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं तो पहले थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगा के, दैट इज वैसलीन, पेट्रोलियम जेली आई एम यूजिंग। हल्का मसाज करके उन्हें सॉफ्ट कर लेते हैं। दिस इज द लिपस्टिक पेंसिल।
ये लिपस्टिक शेड यूज करने जा रही हूँ मैं। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए। आउटलाइन और लिपस्टिक को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर आपका भी मेरी तरह कोई मोल है और अगर आप उसे एनहांस करना चाहती हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी काजल पेंसिल से उसे डार्क कर दीजिए। इसमें मैंने मोजरी पहनी है क्योंकि नवरात्र में हमें बहुत सारा डांस करना होता है, गरबा करना होता है। पर्पल कलर की टाइट फिटेड जीन्स पहनी है, साथ में जो दुपट्टा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसे टक किया है और अंदर एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए इसमें, ताकि ये डांस करते टाइम या मूवमेंट करते टाइम निकले नहीं। ये इधर एक लेग के ऊपर से जाएगा और जैसे हम साड़ी ड्रेप करते हैं वैसे इसे लपेट के ऐसे इस साइड पे पिन कर दिया है। मैंने फुलकारी का दुपट्टा सिलेक्ट किया है, आप चाहें तो गुजराती या कोई और स्टाइल का दुपट्टा भी ले सकते हैं। साथ में मैंने ये टॉप पहना है, अपना एक ब्लाउज पहना है, ये एक वेस्टर्न टॉप है, तो इस तरह से ये इंडो वेस्टर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। दिस इज अ फ्यूजन लुक, अ परफेक्ट फ्यूजन लुक। एक्सेसरीज में झुमकी पहनी है, बैंगल्स, छोटी सी बिंदी लगाई है और साथ में ये एक मैसी चोटी बनाई है। इस स्टाइल की खास बात यह है कि इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है, आप आराम से बहुत देर तक इसमें डांस कर सकते हैं और ये स्टाइल बिल्कुल खराब नहीं होगा, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसे आप खुद भी क्रिएट कर सकती हैं। ये आपके पास अगर कोई कलरफुल जीन्स या पैंट्स हो, कोई टॉप हो, दुपट्टा हो, तो उन चीज़ों को अच्छे से कलरफुल कॉम्बिनेशन बनाकर खुद क्रिएट कर सकती हैं। सबसे अलग भी दिखेगा क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया होगा। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।